खबर पटना से है, जहां शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विवादित बयान के बाद सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शबरी के जूठे बेर खाने वाले श्री राम का भक्त हूं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी विचारधारा के लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। शबरी और अहिल्या के बेटे बेटियों को मंदिर जाने पर रोकने और अपवित्र समझकर गंगा जल से धोने वाले धर्म के नाम पर धंधा करने वालों के खिलाफ समाज को जागृत करने की जिम्मेदारी हम समाजवादियों की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कोतवाली थाने में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है। हिंदू शिव भवानी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार ने लिखित शिकायत दर्ज की है। मंदिर को गुलामी का रास्ता वाले बयान पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे, मंदिर या अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। ये स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्री बाई फूले ने कही है, उसमें गलत क्या है? मैंने कहा कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम का भक्त हूं, हूं तो हूं। आपको लगता है तो अपनी बात कर रहे हैं। राम के भक्त हैं तो कृष्ण के भी भक्त हैं। सर राम के भक्त हैं तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तो सुपन भगत डोम के यहाँ खाना खाने वाला का भक्त हूं। तो कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्जाता पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के अनूठा उदाहरण हैं, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया? अयोध्या जा रही